टली ये अप्लाई करने के बाद यहां से की क्लोज हो गई तो करंट फ्लो गए एंड दैट करंट इज नथिंग बट आई हुज वैल्यू इज सपोज टू बी कैलकुलेटेड है ना तो हमारे पास एक इक्वेशन है वट इज दैट वी हैव हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है करंट और ईएमएफ बट ईएमएफ हमारे हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास है मतलब तो हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड द द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ सिग्नल राइट तो ईएमएफ ई e की वैल्यू इज ई जीरो साइन ओमेगाटिक सर्किट जिसमें से करो होने के बाद क्या होता है एंड वो ई एम एफ मतलब उस ई एम एफ जो इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन ये सप्लाई वोल्टेज सप्लाई के अपोजिट रहती है इसीलिए इसको हम कहते हैं बैक ई एम एफ है, है ना तो वो बैक ई एम एफ की वैल्यू क्या होती है सो दे फोर बाय फैरडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ई एम आई है ना इस हिसाब से करंट की वैल्यू क्या हो जाए सॉरी बैक ई की वैल्यू क्या हो जाएगी मैं बैक ई को ई बी से डिनोट करता हूँ बैक ई एम एफ ई बी हमें ई e की जरूरत है लेकिन बैक ई हमें मिलता है एंड इट इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस एल इन टू डी आई बाई डी टी है ना बट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट टू बी कॉन्स्टेंट जो सप्लाई वोल्टेज रहेगा वो कैसा रहेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में या ई एम एफ इंड्यूस जो है वो बैक ई एम एफ के अपोजिट डायरेक्शन में है तो देर फोर ई देट इज सप्लाई वोल्टेज दे आर फोर सप्लाई वोल्टेज मतलब ही ईज इक्वल टू वॉट इट इज माइनस ऑफ ई बी हो जाएगा है ना माइनस ऑफ ई बी इट बिकम्स माइनस ऑफ इबी इज इज माइनस एल इन टू डी आई बाई डीटी एल इन टू डी आई डी टी ठीक है ये ई e आ गया हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये डी आई को एक साइड रखते हैं तो डी आई इज इक्वल टू एल ई के डी नी टी ऊपर आएगा मल्टीप्लीकेशन में सॉरी कर दिया हमें I से फाइंड आउट करना है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा सो देर फोर इंटीग्रेशन डी आई इज इक्व इंटीग्रेशन ई बाय एल इंटू डी और ई e की वैल्यू क्या है इीरोनो में टी और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज वॉट आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई दीरो साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी ई जीरो और एल ये कॉन्स्टेंट्स है राइट right? इनको बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन के तो देर फोर आई इक्व टू वीरोल इट इज टेकन आउट साइड द इंटीग्रेशन सो ई जीरो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी और ये इंटीग्रेशन को कोई लिमिट नहीं है इसका मतलब क्या है इट इज इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और को सॉल्व करने के बाद एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है दैट इज नथिंग बट सी सी राइट अब ये C क्या रहेगा इसको कॉन्स्टेंट बोला है बट अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस ये इक्वेशन वैलिड है और वैलिडिटी के हिसाब से ये करंट है तो ये भी टर्म करंट हो जाएगी और सी मतलब भी करंट है है ना इसका मतलब करंट इज कॉन्स्टंट बट करंट इज नॉट कॉन्स्टेंट क्योंकि करंट इज वॉट टाइम डिपेंडेंट है ना तो ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर जीरो हमें सी की वैल्यू जीरो पुटअप करनी पड़ेगी एज करंट इज टाइम डिपेंडेंट राइट टाइम डिपेंडेंट सो सी इज इक्वल टू जीरो राइट सी की वैल्यू जीरो पुटअप कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा देयर फोर आई इज इक्वल टू इ जीरो माइनस साइन बाहर कर देता हूं और कीप इट इट एज इज माइनस ऑफ ऑफ ओमेगा टी ठीक है बट कॉस ऑफ ओमेगा टी क्या होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी इज नथिंग बट इक्वल टू साइन ऑफ फाइव बाय टू माइनस ओमेगा टी सॉरी यस साइन ऑफ फाइव बाई टू माइनस ओमेगा टी राइट तो इस हिसाब से इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो दिस बिकम्स आई इज इक्वल टू ई जीरो बाय एल इंटू माइनस ऑफ साइन कॉस ऑफ ओमेगा टी के जगह पे ये इक्वेशन आ जाएगा माइनस साइन टी ठीक है एंड सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा तो ये क्या है माइनस साइन ऑफ थीटा के टर्म में है राइट तो इसको साइन ऑफ माइनस थीटा के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस बिकम्स आई इज इक्वल टू जीरो बाय एल माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो इट बिकम्स साइन ऑफ़ माइनस पाई बाय टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस पाई बाय टू माइनस ऑफ माइनस ओमेगा टी इज प्लस ओमेगा टी तो धिस इक्वेशन बिकम्स आई इज इक्वल टू इ जीरो जीरोग्रेशन e right? लेने के बाद डिवाइडेड बाय ओमेगा नहीं किया तो ये ओमेगाड बाय डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी रहेगा तो ये ओमेगा को बाहर निकालते जाएंगे ओमेगा बाहर निकलते जाएगा ओमेगा बाहर निकलते जाएगा सो इट इज ओमेगा इन टू एल राइट सो ई जीरो बाय

यहां पे इक्वल टू लिखता हुई माइनस साइन बाहर निकलता हूं माइनस इ जीरो बाय ओमेगा एल इज ई ओमेगा इमेगा या फिर ये माइनस साइन को इधर कॉस के साथ रखता हूं इट इज माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी ये इक्वेशन से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन इक्वेशन में लेके जाने के पीछे का रीजन एक ही है कि हमारे साइनोसॉइडल इक्वेशन मतलब ईएमएफ का इक्वेशन हमारा साइनोसॉइडल के फॉर्म में है तो आई का भी इक्वेशन हमने साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया सो दैट वी कैन फाइंड आउट द फेज फेज डिफरेंस डिफरेंस तो पे कितने का दिखाई दे रहा है और फेज डिफरेंस से ही हमें पता चल सकता है कि वेव फॉर्म्स और उसकी फेजर डायग्राम किस तरीके से रहेगी अगर आपने देखा तो ये इज इक्वल टू जीरो ओमेगा टी दिखाई दे रहा है और ये इीरो बाय एक्स इसको मैं आई जीरो कर देता हूं राइट so, तो I0, I0 right? so, t जीरो पे आई है। मतलब क्या है कि करंट जो है इंडक्टिव सर्किट में पाई बाई टू से पीछे चल रहा है माइनस पाई बाई टू आया है मतलब पाई बाई टू इतने एंगल से पीछे चल रहा है किसके ई एम एफ के है ना तो यहां से मतलब क्या हो रहा है कि ई एम एफ इज लीडिंग करंट बाय पाई बाय टू है ना देर फोर फ्रॉम इक्वेशन एंड टू वन एंड ई लीड्स करंट आई बाय पाई बाई टू है ना पाई बाई टू से तो यही से हमें वेव फॉर्म मिलेगी वेव फॉर्म किस तरीके से ड्रा करेंगे बराबर ध्यान देंगे सबसे पहले ईएमएफ की वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेने की राइट तो हम ईएमएफ की वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं दिस इज थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी राइट तो मैं ईएमएफ की वेव फॉर्म करता हूँ ई कैसा है साइनुसाइडल विदाउट एनी फेज डिफरेंस मतलब सिर्फ ओमेगा तो ये फेजर डायग्राम मतलब वेव फॉर्म होगी जीरो पाय टू पाय एंड दिस इज थ्री पाय है ना अब यहां पे करंट की वेव फॉर्म ड्रा करते हैं करंट कैसा दिख रहा है करंट दिस इज माइनस ई जीरो एंड दिस इज प्लस ई जीरो यही पे अभी हम करंट की वेवफॉर्म फॉर्म ड्रा करते हैं ऑन द सेम एक्सिस ई एंड आए, दोनों हम ड्रॉ करेंगे ठीक है करंट सिग्नल कैसा दिख रहा है पाई फाइबर टू से पीछे चल रहा है यहाँ पे अगर आपको दिक्कत जा रही है तो ये इक्वेशन की तरफ ध्यान दो ये सिग्नल करंट का ही सिग्नल है बस ये कॉस के फॉर्म में है या साइन के फॉर्म में है तो कोसाइन सिग्नल कैसा है इट इज निगेटिव कोसाइन सिग्नल है ना निगेटिव कोसाइन सिग्नल है मतलब वो कहां से स्टार्ट होगा नीचे से कोसाइन सिग्नल मतलब जीरो पे वो वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम रहती है लेकिन ये निगेटिव कोसाइन सिग्नल है वैसे पॉजिटिव कोसाइन सिग्नल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है निगेटिव कोसाइन सिग्नल आपका स्टार्ट होगा यहां से तो इस हिसाब से ये निगेटिव कोसाइन सिग्नल हमारा किस तरीके से आएगा विल बी ये इसको माइनस आई जीरो बोलेंगे एंड दिस इज प्लस आई जीरो है ना तो माइनस साइन है इसीलिए माइनस से स्टार्ट होगा तो सो द सिग्नल विल बी लाइक दिस राइट माइनस से स्टार्ट हो रहा है देखो अभी फेज डिफरेंस ये सिग्नल पहले ही स्टार्ट हुआ है ये वाला सिग्नल जो करंट सिग्नल है ब्लैक वाला वो पाई बाय टू से पाई बाय टू पे जीरो पे है और ये करंट जीरो पे ही जीरो पे है मतलब दिस करंट इज लीडिंग ब्लू करंट मतलब ब्लू कलर्ड वेब फॉर्म इज लीडिंग दैट इज द ऑफ़ ई ई इज़ टू जीरो साइन ओमेगा टी एंड दिस इज नथिंग बट आई विच इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू तो करंट जो यहां पे फ्लो होगा वो कितना फ्लो रहा है इट इज आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू ये करंट फ्लोर है एंड इट इज नथिंग बट द है ना अगर हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फेजर डायग्राम क्या आएगी दिस इज योर वाई एक्सिस दिस इज योर एक्स एक्सिस ठीक है अब ये कैसी हो रही है EMF का सिग्नल हमने uh, क्या कहते हैं रेजिस्टिव लोड के वक्त जैसा ड्रॉ किया था वैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ है ना एक एंगल मैं आई दिस ई ई जीरो साइन ओमेगा टी यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हमने प्लॉट कर दिया तो दिस इज करंट कैसा चल रहा है पीछे चल रहा है पीछे मतलब क्या तो लैग कर रहा है करंट वोल्टेज लीड कर रहा है ईएमएफ लीड कर रहा है वेर करंट इज लैगिंग तो लैगिंग वाली कंसेप्ट ये ध्यान में रखना है यहाँ पे है ना यहां पे लिख रहा हूं मैं लैगिंग क्वांटिटी को क्लॉकवाइज घुमाने का रेफरेंस के और अगर कोई लीड कर रहा है अगर करंट लीडिंग में है तो उस समय में उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का है ना? लैगिंग और लीडिंग के हिसाब से तो यहां पे अगर ये करंट, इधर ड्रॉ किया है तो करंट लैग कर रहा है और लैगिंग क्या होता है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कितने एंगल से फेस डिफरेंस है फेज डिफरेंस पाई बाई टू का है तो यहां पे ये हो जाएगा आपका करंट आई विच इज इक्वल टू आई जीरोन ओमेगा से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा दैट इज आई जीरो सो द एंगल बिट्वीन दिस टू इज नाइंटी डिग्री दैट इज पाई बाय टू रेडियंस राइट

अब हमें आई फाइंड आउट करना है और आई विच इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज नथिंग बट वट बट एंड एंड I इज uh, equal टू क्या होता है dQ by dt है ना rate रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर और Q की वैल्यू क्या होती है हमने electrostatics में पढ़ा है Q इज equal टू क्या होता है CV मतलब यहाँ पे Q कैपिटल Q के लिए स्मॉल Q C के लिए कैपेसिटेंस C ही रहेगा और V के जगह पे क्या आ जाएगा E आ जाएगा इट बिकल्स d बाई डी टी ऑफ सी E आ जाएगा और E की वैल्यू क्या है E जीरो साइन ओमेगा टी तो देर फोर आईज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ सी इंटू ई जीरो साइन ओमेगा टी आ जाएगा and therefore this is peak value of EMF mm. this is capacitance which is also constant so both are taken outside c into e0 right into d by dt of sin omega t or sin omega t matlab sin x or sin x ka derivative kya hota hai hmm. cos x so therefore i is equal to ho jayega c into e0 into derivative of sin omega t is cos of omega t

तो ये वन बाय ओमेगा सी मतलब एक्स सी हो जाएगा है ना? तो सी है ना इंटू कॉस ओमेगा टी यहाँ पे साइन के टर्म में लिखना है तो ये कॉस ओमेगा टी को हम साइन के टर्म में अगर लिखते हैं तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू इज नथिंग बट कॉस ओमेगा टी कमेंट लिखता हूँ यहाँ पे दट इज वन बाय ओमेगा सी इज नथिंग बट इक्वल टू सी तो वन बाय ओमेगा सी के जगह पे एक्स सी लिखा था हमने लिखा है एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाय टू प्लस फाइव बाय टू इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी तो कॉस ओमेगा टी के जगह पे ये कर दिया

आई जीरो इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू मतलब क्या है कि ई जीरो ई वाला इक्वेशन और I वाला इक्वेशन अगर इक्वेट करते हैं तो ये ई जीरो के कंपैरिजन में आई e जीरो आगे चल रहा है अभी है ना इंडक्टर में क्या था करंट लैग कर रहा था करंट ईएमएफ से अभी करंट लीड कर रहा है देन दैट ऑफ द ईएमएफ ठीक तो हम पहले ईएमएफ का ही सिग्नल मतलब यहां पे मैं लिखता हूं

साइन ओमेगा टी एज इट इज सबसे पहले वेवफॉर्म फॉर्म ड्रॉ करते समय या फेजर ड्रॉ कर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय ई एम एफ का ही वेवफॉर्म फॉर्म ड्रॉ करने का और ई एम एफ का ही फेजर ड्रॉ करें करते उसके हिसाब से फिर करंट को वेरी करेंगे करंट को चेंज करेंगे अभी करंट आगे बढ़ रहा है ना करंट जो है वो आगे बढ़ रहा है तो इसके ऊपर अगर देखेंगे ये वाले इक्वेशन में करंट का सिग्नल कैसा है कोसाइन और वो कोसाइन भी कैसा है पॉजिटिव कोसाइन है राइट right. तो ये सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा पॉजिटिव कोसाइन सिग्नल मतलब दिस आई जीरो एंड अस कंसिडर दिस हेज माइनस आई जीरो तो ये यहां से स्टार्ट होगा आई जीरो विल गो इन दिस वे राइट तो दिस इज नथिंग बट द करंट सिग्नल आई विच इज जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बाय ठीक है है ना साइनोसाइडल सिग्नल मतलब करंट सिग्नल अभी लीड कर रहा है कितने एंगल से पाई बाय टू इतने एंगल से लीड कर रहा है राइट व्हाट अबाउट फेजर डायग्राम तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले EMF की फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं दिस इज ई विच इज इक्वस टू जीरो साइन ओमेगा टी ठीक है अब करंट की वेवफॉर्म ड्रा ड्रॉ करते हैं करंट कैसा है लीड कर रहा है लीडिंग इज एंटी क्लॉकवाइज तो ये ईएमएफ से एंटी से एंटीक्लॉकवाइज आएंगे 90 डिग्री तो ये हो जाएगा हमारा करंट आई विच इज इक्वस टू आई जीरो साइन ओमेगा टी plus pi by 2 this is current i right the angle between them is nothing but 90 degree matlab pi by 2 radian so this is nothing but the phasor diagram for the capacitive circuit right so this is what all about the capacitive load